जो संस्था लोकतंत्र में है, डेमोक्रेसी में है, जुडिशरी में है, उसका उपयोग कहीं ना कहीं करने की ज़रूरत थी जो आप लोगों ने नहीं किया। वेरियस रीजंस उसके हो सकते हैं, सोसाइटीज़ एक साथ नहीं आती हैं, फेडरेशन एक साथ नहीं आते, खर्चे की बात आती है, लीगल एक्सपेंडिचर होता है, लॉन्ग टर्म इशू चलता है, मगर 25 साल तो नहीं चल सकता था। ये एक पॉइंट। आपके यहाँ जो पानी आता है, आपने कहा बैक वाटर आता है, हाई टाइड की वजह से आता है, दूसरा पानी यहाँ से आता है, ऊपर के साइड से भी आता है, काशीमेरा के साइड से भी आता है, मुंशी कंपाउंड के साइड से भी पानी इस तरफ ये लो लेवल है इस तरफ आता है। ये मीरा भाईंदर की जमीन की टोपोग्राफी मैं जानता हूँ। मैं क्यों जानता हूँ कि मैं यहाँ पैदा हुआ। आप जहाँ आप और हम जहाँ बैठे यहाँ पे चावल का खेती करते थे। मैं मीरा रोड जहाँ हमारा मकान है वहाँ से बैलगाड़ी में काशीमीरा जाता था। ये खेत में से 80 से भी पहले 70s, आई एम 66 बॉर्न, ठीक है। तो ये पूरा काशीमीरा से जो पानी आता है, जो काशीमीरा की जो MIDC है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, वहाँ का जो पानी आता है वो मुंशी कंपाउंड और मुंशी कंपाउंड में से यहाँ से होते हुए घोड़बंदर के जो झंकार जो कॉम्प्लेक्स बना है अभी जहाँ तुम्हारा मकान है, हरियाणा से आता है। ये अभी कौन सी बिल्डिंग है, जनकार वो जनकार की जो बिल्डिंग है ना, वहाँ पे हमारी फैक्ट्री होती थी, फाउंड्री पंजाब वो हमारी फाउंड्री। तो पूरा काशीमीरा का मुंशी कंपाउंड का पानी वो बाजू का नेचुरल फ्लो का नाला था, उसमें से जाता था। हम लोग जब नगर सेवक भी थे तो उस समय भी मुंशी कंपाउंड और ये परिसर के लोगों की हमेशा प्रॉब्लम रही, इसलिए हम लोगों ने नाला, कंक्रीट का जो नाला बना ना मुंशी कंपाउंड से, तो हम लोगों ने बनाया उस समय और नाले को चौड़ा किया। अब दिक्कत ये हो रही है कि GCC क्लब के आगे वो नाले का विड्थ जा कर के देखो कितना है, कितना है देखा है आपने, पता होगा। यहाँ से हमने बड़ा बनाया उसको और आगे जा कर के नैरो, और उसके वजह से GCC के इलाके में भी पूरा पानी भरता है और वो पूरी आगे की वेटलैंड की ओपन लैंड थी GCC के आगे राइट साइड में, जहाँ पे सब अभी JP वाले का प्रोजेक्ट बन रहा है, ये आमदार का प्रोजेक्ट बन रहा है, अपना घर, ये सब वेटलैंड है, नॉन डेवलपमेंट लैंड है, वेटलैंड है। तो ये पानी वहाँ जाता था, एकोमोडेट होता था और वहाँ से खाड़ी पे जाता था, वहाँ से भरनी हो गई। आपकी बिल्डिंग जूनी है, आपने बताया 94 की है। काशीमीरा भाईंदर रोड का जो लेवल था उससे इसका लेवल ऑलमोस्ट सेम था 94। अब काशीमीरा भाईंदर का लेवल ऊपर हो गया रोड का, कम से कम आपके यहाँ से 2 फीट तो काशीमीरा भाईंदर रोड ऊपर है अभी आज की तारीख में। मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन अंदाज आपको बता रहा हूँ। तो वो ऊपर हो गया, वहाँ से वेटलैंड का एरिया बंद हो गया, नाला आगे नैरो हो गया, ऊपर से जो पानी आता है उसको रोक तो नहीं सकते आप, उसको आगे जाने का जब रास्ता नहीं मिलेगा तो पानी कहाँ भरेगा, आपका लो लाइंग एरिया में पानी भरेगा। अब आपका आमदार जो आज का है वो आपको क्यों जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि आगे काम किसका है। ये पिछले 5 साल में मैक्सिमम स्क्वायर फीट का काम, प्रॉपर्टी का काम सब उसी का है। वो वहाँ पे भरनी करके काशीमीरा भाईंदर रोड के लेवल से भी 2 फीट 3 फीट ऊपर वहाँ का कॉम्प्लेक्स का काम चल रहा है। तो ये पूरी प्रॉब्लम आपके, ये पूरा एक ऐसा बेल्ट है जो पानी का फ्लो था, ये पानी का फ्लो का एक बेल्ट था। दूसरा जाफरी खाड़ी जो है ना, आप मीरा स्टेशन पे जाते हैं, स्मशान कब्रस्तान बरेल ग्राउंड है, एक इमीडिएट खाड़ी आती है, अभी नाला बन गया हो। तो ये पूरा मीरा गांव का पानी एक नेचुरल फ्लो में से शांति पार्क में से होते हुए उधर जा पा। अब वो रास्ता पूरा बंद हो गया, शहर बन गया पूरा, जितनी गटर है नाले है वो उतना ही बचा है। तो वो रास्ता बंद हो गया पानी जाने का, अब रास्ता कौन सा बचा है खाली 30 फीट। ये इसकी एक मेजर प्रॉब्लम है, ये एक इसकी मेजर प्रॉब्लम है।
इसको ओवर ए टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही रिजॉल्व हो सकेगा. उसको रिजॉल्व करने के लिए एक तो नाला बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग है, बट देयर इज अ सॉल्यूशन. ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं उस दिन जीसीसी में भी गया था, तो कोई प्रोग्राम में गया था, तो वहाँ के लोग थे प्रोग्राम में, तो उन्होंने बोला सर हमको बात करना है आपसे. तो बोला बरसात में आपके उधर 4 फीट पानी भरा था, ये आपका प्रॉब्लम है. बोले हाँ सर मालूम, बरोबर आपने. बोला ये शहर के ऊपर रोनाल्ड भले में हॉस्पिटल में था, बेड पे था, लेकिन लोग मुझे रोज़ मिलने को आते थे और अपनी समस्याएं मुझे अपनी प्रॉब्लम बताते थे. और ये चुनाव लड़ने की आज वजह यही है कि वो 3 साल जो लोग मेरे पास आकर के जो अपनी परेशानी बोलते थे और मुझे बोलते थे कि सर हमको निजात दिलाओ, हमको ये प्रॉब्लम से रिजॉल्व कराओ, हमको ये लोक प्रतिनिधि से हमारी जान छुड़ाओ, हमारे लोगों से गलती हो गई, हमने गलती कर दिया, मोदी जी के चक्कर में इसको चुन के दे दिया, लेकिन अब हम परेशान. और हमको इसलिए लोग कहते थे कि सर आप चुनाव लड़ो और हमको इसमें से राहत दी, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ. आज आपने मुझे अपनी समस्या के लिए बुलाया है, मैं सिर्फ उसी समस्या पर बात करूँगा. मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मुझे आप वोट करो, आपके दिल में आएगा तो करना, नहीं आया तो बिल्कुल मत करो, ऐसा स्पष्ट बोलता हूँ. क्योंकि आपने मुझे अपनी समस्या के संदर्भ में बुलाया, मेरी प्रचार की ये सभा नहीं है. तो ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मुझे करना पड़ेगा. मैं आपको इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि आप तो मेरे से कांस्टेंट टच आप रखेंगे 101% ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आई विल सी टू दैट कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हम कर सकते. ये आपके अकेले का प्रॉब्लम 10-12-15 बिल्डिंग का नहीं है, विजय पार्क, प्लेजेंट पार्क, ये पूरा एरिया, जीसीसी, ये पूरे एरिया का मेजर प्रॉब्लम है, ये मेजर प्रॉब्लम. तो इसको रिजॉल्व करना ये मेरी एक नैतिक जवाबदारी है. आप मुझे वोट करो मत करो, मैं चुन के आऊँ या चुन के नहीं आऊँ, मेरा घर, मेरा दरवाज़ा, मेरा ऑफिस खुला है. आप आइए, मैं आपके साथ हमेशा हर जगह खड़ा हुआ मिलूँगा. आपके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में मैं आपसे एक कदम आगे चलूँगा. रीडेवलपमेंट के संदर्भ में, क्लस्टर रीडेवलपमेंट के बारे में, पृथ्वीराज चौहान जब मुख्यमंत्री थे, मैं विधान परिषद में था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल था, और थाना और बॉम्बे के अंदर आपको मालूम है साउथ बॉम्बे में आप देख रहे हैं क्लस्टर डेवलपमेंट चल रहा है, स्पेशली भिंडी बाजार में जहाँ पे बोरी समाज का वो है, ऐसे कई जगह पे क्लस्टर रीडेवलपमेंट का काम चलता है. थाना के लिए योजना अभी डिक्लेयर किया, लेकिन वो भी बीच बीच पर अटकी हुई है. तो मीरा भाईंदर का भी मैं कॉन्स्टेंट 9 साल मैं उसको परस्यू कर रहा था. मैं 9 साल विधान परिषद में रह चुका हूँ असेंबली में. तो कट ऑफ डेट डेवलपमेंट का 1985 गवर्नमेंट ने बाय एंड लार्ज कैबिनेट ने डिसाइड किया कि 1985 मीरा भाईंदर को भी कट ऑफ डेट रखेंगे. मैंने तुरंत पृथ्वीराज चौहान साहब को बताया कि सर मीरा भाईंदर की नगर पालिका 12 जून 1985 में बनी है, वहाँ पे जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ लीगल डेवलपमेंट वो 85 के बाद में स्टार्ट हुआ. उसके पहले ग्राम पंचायत थी, तो वो नवघर गोरदेव वहाँ पे थोड़ी बिल्डिंगें बनी हुई थी. 85 के बाद में इन लार्ज स्केल मीरा भाईंदर में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ. तो मेहरबानी करके कट ऑफ डेट बिटवीन 95 एंड 2000 को आप कट ऑफ डेट रखिए. तो अगर ये अगर आपने 95 से 2000 का कट ऑफ डेट बीच में रखा, तो बहुत सारी इमारतें जो है जो 85 से लेकर 95 और 2000 तक बनी है, जो तो हमारे यहाँ पे लैंड फिलिंग किया गया है 4 फीट से लेकर तो 6 फीट 7 फीट तक, कोई बिल्डिंग नहीं होने के बावजूद भी नीचे हो गई है, लो लाइंग हो गई है, उसको रीडेवलपमेंट करना पड़ेगा. या तो नीचे के फ्लैट को स्ट्रीट करना पड़ेगा, ऊपर एक माला बनाने की परमिशन देनी पड़ेगी, मगर उसका फाउंडेशन मजबूत है नहीं मजबूत है ये एक इशू रहेगा. तो इसको बाय एंड लार्ज आप उसका कट ऑफ डेट 95 से 2000 करो. बट अनफॉर्चुनेटली सरकार बदल गई, और जो सरकार आई उसने अपने मैनिफेस्टो में भी दिया, आपके एमएलए ने भी दिया था अपने मैनिफेस्टो में कि हम रीडेवलपमेंट क्लस्टर डेवलपमेंट की स्कीम मीरा भाईंदर में लागू करेंगे. लेकिन 5 साल हो गए हैं क्लस्टर डेवलपमेंट की योजना मीरा भाईंदर में लागू नहीं हुई, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बनाया. आप मुझे आमदार चुन के दोगे तो मेरी ये प्रायोरिटी है. मेरे मैनिफेस्टो में भी आपके बोलने से पहले हमने उसमें लिखा है कि क्लस्टर डेवलपमेंट योजना इस शहर में लागू करने की ये जिम्मेदारी
हमारी रहेगी। तो वो अगर होता है तो डेफिनेटली ये जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं उसके अनुशंग से जो भी योग्य होगा, जो मैं जानता हूँ, आपने 94 में अगर फ्लैट परचेज किया तो 500 रुपया फुट लिया था कि 400 रुपया फुट, 400 या 500 रुपया फुट लिया था, इतना तो मेरी मेमोरी ठीक ठाक है, भले 3 साल बीमार था लेकिन मेमोरी ठीक है मेरी। तो आज 400-500 रुपए का जिसने मकान लिया, उसने 500 फुट का लिया, मतलब 2-2.5 लाख रुपए का मकान लिया है, तो उसकी आर्थिक स्थिति 15-20-25 साल में कोई आसमानी सुल्तानी नहीं होगी। वो मुश्किल से सोसाइटी मेंटेनेंस भरते हैं, कितने एरियर्स भी होते हैं सोसाइटी के अंदर, ये मैं सब इन बातों को अच्छे से जानता हूँ। अभी रोनाल्ड सेक्टर 9 में रहता है, मुझे ध्यान था कि वो सेक्टर 7 में, मत देखने के साथ उसको याद किया कि सेक्टर 7 में, उसने बोला सेक्टर 9। तो आपके मकान तो कम से कम 25-30 स्क्वायर मीटर के हैं, शांतिनगर में तो 15-20 स्क्वायर मीटर के फ्लैट। तो आर्थिक स्थिति कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है लोगों की, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब भी क्लस्टर योजना की स्कीम बनेगी तो डेफिनेटली आपसे इनपुट लिया जाएगा और जो शहर के लिए आपके लिए हित में होगा उस तरह से योजना का काम, क्लस्टर योजना बनाने का हम जो है पूरा प्रयास करेंगे। मैं कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी में नहीं हूँ। अभी चौहान साहब ने कहा कि मीरा रोड स्टेशन के बाहर सब अस्मिता के कॉम्प्लेक्स हैं, मैंने अपना करियर पॉलिटिक्स का भी बिजनेस का भी 85 से स्टार्ट किया, ही वॉज राइट विद द ईयर, ही वॉज परफेक्टली राइट। लेकिन मैंने कंस्ट्रक्शन का काम 2002 से टोटल रोनाल्ड बंद कर दिया। 2002 के बाद में मैंने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया, मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं करी, मैंने टोटल बिल्डरशिप का काम बंद कर दिया। हमने हॉस्पिटल बनाया, पूरा चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया, उसमें उसके माध्यम से जो कुछ भी सेवा हम कर सकते हैं वो करते हैं, और पूरा फिलान्थ्रोपिक काम चलता है। हमारी स्कूल है, आज भी 700 रुपये की फीस है, 31 साल हो गया है, 100% रिजल्ट रहता है, उसमें भी हज़ारों बच्चों को हम फीस, दूसरे मीरा भयंदर में 75 स्कूलों में मैं बच्चों की फीस भरता हूँ मेरे संस्था में से, तो पूरा फिलान्थ्रोपिक काम और मैं खुश हूँ। मुझे कोई 2-5 करोड़ 1000 करोड़ बनाने का और पैसा कमाने का शौक नहीं बचा। आज ये चुनाव खाली मैं इस शहर के भ्रष्टाचार और जो शहर में अन्याय चल रहा है उसके खिलाफ में लड़ाई लड़ने के लिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। जो लोगों की डिमांड थी कि आप लड़िए, आप ही लड़ सकते हैं क्योंकि लोग आपको जानते हैं, आपने शहर बनाया है, शहर को आप समझते हो, लोगों की समस्याओं को आप समझते हो, इसके लिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। अदरवाइज मैं 9 साल MLC रह चुका हूँ, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास से बेस्ट पार्लियामेंटेरियन बेस्ट स्पीकर का अवार्ड पा चुका हूँ, डिप्यूटी मेयर रह चुका हूँ, 3 बार कॉर्पोरेटर रहा हूँ, आप लोगों की दुआ से आज पार्टी का स्टेट का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। 30-35 साल के मेरे करियर में कहीं पर हमारे ऊपर या हमारे परिवार पर कोई प्रकार का दाग धब्बा आरोप प्रत्यारोप नहीं हुआ, क्योंकि हमने, हमारे परिवार ने ये समाज की सेवा करना है, इसके लिए ये पॉलिटिक्स में जाना है, ये निश्चित है, हमारा फिक्स है और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज हम करते नहीं, और कोई जातिवाद धर्मवाद प्रांतवाद ये सब्जेक्ट ही नहीं है हमारे पास। हमारे कम्युनिटी का भी कोई आदमी ऐसी गलत बात कर देगा तो हम उधर के उधर ही उसको रोक देंगे, इतना क्लियर फंडा हमारा है। तो आपकी जो समस्या है आप ये मान के चलिए वो आपकी समस्या नहीं है, ये मेरी समस्या है। आप इस शहर में आए हो, रहोगे और हमेशा के लिए रहोगे, ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा तो जन्म भी यही हुआ है और मेरी मृत्यु भी यही होने वाली है। गलती से कभी जल्दी मर गया, आपको कोई आश्वासन दिया और मर गया तो मेरे कब्रिस्तान में आके खड़े रह के पूछ सकते भाई ये बाकी है तुम्हारा काम। तो मैं कहीं जाने वाला हूँ ना, मुझे कोई आप लोगों से कोई चीज़ की अपेक्षा, आपने यहाँ बुलाया, मेरा मार्गदर्शन आपने सुना, आपको कौन सी बात इसमें जची नहीं जची मैं नहीं समझता हूँ, मुझे नहीं पता लगेगा, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा जो कायदे से हो सकता है ये मैंने आपको जो हकीकत बातें हैं ये बताई, और आपको मेंटली एक बात का प्रिपेयर किया कि ओवर फ्यू डेज एंड ईयर्स ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करना थोड़ा समय लगेगा क्योंकि एक मेन प्रॉब्लम आपके दिमाग में आ गई कि नाला यहाँ से बढ़ाया और आगे जाके नैरो हो गया, तो ये मेजर प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व करना ये मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है और मैं इसके लिए पूरा प्रयास करूँगा।